इस वीडियो में आप जानेंगे कि वीवो के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को हाइड कैसे किया जाता है। हमने अपने वीवो के मोबाइल में जो कॉल रिकॉर्डिंग किए हुए हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम अपने वीवो के मोबाइल में कैसे छुपा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो वीवो के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को हाइड करने के लिए, उसे छुपाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ऑडियो मैनेजर। ऑडियो मैनेजर सर्च करने के बाद आपको इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद ऊपर आपको ऑडियो मैनेजर लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। थोड़ा देर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 4 अंक का अपना एक कोई भी पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको अपना एक जीमेल आईडी ऐड कर देना है ताकि जब भी आप इस एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल जाएं तो उस जीमेल आईडी के जरिए आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकें। अगर आप यहाँ पर जीमेल आईडी ऐड नहीं करते हैं तो अगर आप बाई चांस इसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके इस एप्लीकेशन में जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग हाइड होंगे सभी डिलीट हो जाएंगे, आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी ऐड कर देना है और ऐड कर देने के बाद आपको ओके करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है और यहाँ ओके करना है और जो परमिशन मांगेगा उसे अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद आपको फिर से ऊपर जो ऑडियो मैनेजर लिखा हुआ है इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को एंटर करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको म्यूजिक पर क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करके आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है। यहाँ से आप अपने फोल्डर का नाम दे दीजिए, जो भी देना चाहते हैं। तो यहाँ से हम नाम देने के बाद आपको क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करना है, तो आपको फिर से इस फोल्डर पर क्लिक करना है और ऊपर आपको प्लस का एक आइकन है तो आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग या ऑडियो होंगे सभी यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। तो आप जिस कॉल रिकॉर्डिंग को हाइड करना चाहते हैं उसे टच करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सभी को हाइड करना चाहते हैं तो ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद आपका सभी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको नीचे हाइड सेलेक्टेड फाइल है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपका सभी कॉल रिकॉर्डिंग इस फोल्डर में हाइड हो जाएगा, आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप फिर से इसे दोबारा देखना या सुनना चाहते हैं तो आपको ऑडियो मैनेजर को ओपन करना है और ऑडियो मैनेजर को ओपन करने के बाद ऊपर ऑडियो मैनेजर पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से अपना पासवर्ड एंटर कर देना है और म्यूजिक के फाइल में आपने जो फोल्डर बनाया है यहाँ पर आपका सभी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अपना सभी जो कॉल रिकॉर्डिंग है आप अपने मेमोरी कार्ड में फिर से रिकवर कर लीजिए, मेमोरी कार्ड में अनहाइड कर लीजिए, तभी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, वरना आपका सभी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वीवो मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग को हाइड कर सकते हैं, उसे छुपा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।